नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विद सिविल बॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ बीम, या फिर आप कह सकते हैं फ्लेक्सर मेंबर, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर मेंबर। कई बुक्स में या कई जगह पर, कई सिलेबस में कई बार फ्लेक्सर मेंबर लिखा होता है, कई जगह डिजाइन ऑफ बीम लिखा होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज होती है, सेम चीज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब जो हमारा वीडियो है, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, आपको मैं बताऊंगा कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं फ्लेक्सर मेंबर को या बीम को बाय द हेल्प ऑफ IS कोड, एज पर IS कोड। और IS कोड कौन सा हम फॉलो करने वाला है, IS 800-2007। ठीक है, तो इस कोड की हेल्प से आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, मैं श्योर करता हूं अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और पूरी सीरीज देखते हैं डिजाइन ऑफ बीम की, तीन चार पार्ट इसके आने वाले हैं, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको IS कोड अगर आपके पास है तो IS कोड की हेल्प से आप पूरे बीम को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पेजेस बताऊंगा कौन से पेज पर क्या है और उसी तरह से फिर आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, एक पिक्चर बना देता हूँ आपके माइंड में, जिससे आइडिया रहे क्या हम पढ़ने वाले, क्यों पढ़ने वाले, कैसा है सिस्टम, और फिर हम डिजाइन की तरफ चलेंगे। तो देखिए, जो मेरा बीम है, जो बीम में मुझे डिजाइन करना है फ्लेक्सर मेंबर, बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो है लेटरली अनसपोर्टेड और एक है सपोर्टेड। तो लेटरली सपोर्टेड बीम और लेटरली अनसपोर्टेड बीम, दो टाइप के हमारे पास केस है। लेटरली सपोर्टेड का मतलब क्या होता है, लेटरली अनसपोर्टेड का मतलब क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। बेस्ड ऑन द लेटरल सपोर्ट टू द कंप्रेशन फ्लेंज, है ना, इनका क्लासिफिकेशन किया गया किस बेसिस पर, कि इनकी कंप्रेशन फ्लेंज है उसको आपने सपोर्ट किया हुआ है नहीं किया हुआ है। पहले समझते हैं कंप्रेशन फ्लेंज कौन सी, टेंशन फ्लेंज कौन सी है। मान लिया हमने कि ये हमारे पास में एक फ्लेंज है और एक नीचे फ्लेंज है, दो फ्लेंज है हमारे पास में, और बीच में क्या है, बीच में आपके पास में वेव है। ये तो पता होगा आई सेक्शन होता है, आई सेक्शन में जो बीच वाला पार्ट होता है, जो मैंने ब्लैक कलर से मैं बता रहा हूं, इसको बोलते हैं वेव, और टॉप और बॉटम वाले जो पार्ट है इनको बोलते हैं फ्लेंजेस। अगर ऊपर से लोड आ रहा है तो ऊपर आएगा कंप्रेशन, तो उस फ्लेंज को बोलते हैं कंप्रेशन फ्लेंज, और नीचे वाली हो जाती है अपने आप क्या, टेंशन फ्लेंज। समझ गए? तो अगर ऊपर वाली जो फ्लेंज है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कंप्रेशन फ्लेंज बोलो, अगर आपने इसको किसी भी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया है तो ये कहलाएगी आपका सपोर्टेड बीम। ठीक है, अगर आपने इसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया है तो ये कहलाएगी आपके अनसपोर्टेड बीम। अब समझ लेते हैं कैसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आपने एक बीम है आपके पास में नीचे, और बीम का ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपकी फ्लेंज है, लेकिन ये कौन सी फ्लेंज है, टेंशन फ्लेंज है। ठीक है ना, ये आपकी टेंशन फ्लेंज है, और टॉप में जो आपने प्रोवाइड कर रखी है वो कैसी है आपकी, वो है आपकी कंप्रेशन फ्लेंज। ठीक है, अब आपकी जो कंप्रेशन फ्लेंज है, उस कंप्रेशन फ्लेंज को आपने जो स्लैब है उस स्लैब के साथ में कास्ट कर दिया है, स्लैब के साथ में ही कास्ट कर दिया है कॉन्क्रीट, बेसिकली ये RCC की या PCC की आपकी स्ट्रक्चर है, बेसिकली स्लैब है तो PCC की नहीं होगी, RCC की ही होगी, तो RCC के साथ में आपने इसको कास्ट कर दिया है। अगर आपने इसके साथ कास्ट कर दिया है तो ये बेसिकली आपको क्या है, कंप्रेशन फ्लेंज को क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, लेटरली सपोर्टेड स्लैब, है ना, लेटरली सपोर्टेड बीम बाय स्लैब। तो लेटरली सपोर्टेड बीम है किसके द्वारा, स्लैब के द्वारा ही सपोर्टेड है। तो ये बेसिकली अगर ये डायग्राम की बात करूं तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस लेटरल सपोर्ट बाय स्लैब, है ना, कंटिन्यूअस लेटरल सपोर्ट बाय स्लैब। तो कंटिन्यूअस सपोर्ट है, लेटरल सपोर्ट किसके द्वारा, स्लैब के द्वारा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास कोई भी आई सेक्शन होता है, XYZ कोई भी आई सेक्शन होगा किस, है ना, और उस आई सेक्शन की जो टॉप फ्लेंज है, जो इस पे लोड आ रहा है, कंप्रेशन फ्लेंज है, और इसको आपने किसी भी तरह से आपने इसको क्या किया है, एक अलग से सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करने से ये क्या बन जाएगी, ये सपोर्टेड बीम हो जाएगा, और अगर सपोर्ट नहीं है तो क्या कहलाएगा, अनसपोर्टेड बीम कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या थोड़ी आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं डिजाइनिंग की, कि अगर आपको डिजाइन करना है सपोर्टेड या अनसपोर्टेड को, तो कैसे आपको डिजाइन करना है। तो देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है लेटरली सपोर्टेड के लिए, लेटरली अनसपोर्टेड के लिए। तो दोनों के लिए ध्यान से समझते हैं। अगर आपके पास में ऑप्शन है कि लेटरली सपोर्टेड बीम आपको डिजाइन करना है और IS कोड की आपको हेल्प चाहिए, तो ध्यान रखना IS कोड की अगर हेल्प चाहिए और लेटरली सपोर्टेड है, तो इसके लिए मैं पेज में पेज बता रहा हूँ कौन कौन सा पेज है। एक तो पेज नंबर 53 है और एक पेज नंबर 70 है, ये दो पेज आपके काम के। बट अगर आप लेटरली अनसपोर्टेड बीम को डिजाइन कर रहे हैं तो आपके पास में पेज नंबर 54 है, वो काम का है। लेकिन इनके अलावा एक पेज और है जो काम का है, दोनों में ही काम आता है, कॉमन है, वो है पेज नंबर 59। ठीक है, तो ये पेज नंबर 59 इन दोनों में काम का है। तो कुछ पेजेस हैं जो आपके काम आएंगे लेटरली सपोर्टेड में, लेटरली अनसपोर्टेड में, और दोनों में जो काम आएगा वो 59 है। बाकी ये जो कोड के पेजेस हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, सिर्फ दो चीजें बताई हैं। एक तो
कि डिजाइन जब हम करते हैं बीम को, तो बीम की डिजाइनिंग दो टाइप से होती है, एक लेटरली सपोर्टेड, एक अनसपोर्टेड। सपोर्टेड का मतलब क्या होता है, अनसपोर्टेड का मतलब क्या होता है, और अगर मैं सपोर्टेड डिजाइन कर रहा हूं तो उसके लिए पेज नंबर कौन सा है, और अनसपोर्टेड डिजाइन कर रहा हूं उसके लिए पेज नंबर कौन सा है। ठीक है, इतना सभी याद रखना है बस। अब देखिए एक चीज और आपको याद रखनी है कि अपने पास में जो लेटरली सपोर्टेड बीम होता है, उस लेटरली सपोर्टेड बीम के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, लेटरली सपोर्टेड बीम का पार्ट वन जो कि है केस वन, वो तो होता है लो शियर का, एक होता है हाई शियर का। अब समझते हैं लो शियर का मतलब क्या होता है, हाई शियर का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो शियर होता है हमारे पास में, शियर फोर्स, वो शियर एक तो डिजाइन शियर होगा और एक होगा वो शियर जो आपके उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर आ रहा है। तो डिजाइन शियर को और उस स्ट्रक्चर पर जो शियर है उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो उसके कंपेरिजन के बेसिस पर इनका डिवाइडेशन किया गया है। अब ये समझते हैं कि लो शियर का मतलब क्या है और हाई शियर का मतलब क्या है। तो ध्यान रखना कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लो शियर है या हाई शियर है, तो आपको चेक करके देखना पड़ता है। अगर आपके शियर फोर्स की वैल्यू, VU की वैल्यू, डिजाइन शियर फोर्स VD के 0.6 से कम है, 0.6 मतलब 60% से, उसके 0.6 टाइम से कम है या उसके बराबर है, तो उसको बोला जाता है लो शियर। ठीक है, लेकिन अगर आपके शियर फोर्स की वैल्यू डिजाइन शियर फोर्स VD के 0.6 टाइम से भी क्या है, ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं हाई शियर के। ज्यादा है तो हाई और कम है तो लो। ठीक है, लो और हाई का मतलब क्या है, कम है तो लो और ज्यादा है तो हाई। ठीक है, तो दो केस हो गए हमारे पास में, एक तो लो शियर केस और एक हाई शियर केस। अब ध्यान रखना कि VU क्या है, VU तो है फैक्टर्ड शियर फोर्स और VD है डिजाइन शियर फोर्स, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब आपके पास में क्या होता है, केस होते हैं, अगर लो शियर केस है और हाई शियर केस है तो आपके पेज नंबर जो मैंने बताया था कोड में पेज नंबर होते हैं अलग अलग। अगर आपको बोलता है लो शियर केस है तो कोड में पेज नंबर 53 है, वहां पर से आपको एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो डिजाइन मोमेंट होता है वो आपकी कैलकुलेट पेज नंबर 53 से होगी। लेकिन अगर आपके हाई शियर केस है तो कोड में पेज नंबर 70 है, वहां से कैलकुलेशन होगी मोमेंट की। ठीक है, लेकिन अगर आपको शियर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, वीडी की कैलकुलेशन, जो दोनों में कॉमन है वो है पेज नंबर 59 पर। ठीक है, वो पेज नंबर 59 पर है। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था, एक डेमो था, आपको सिर्फ बताने के लिए था कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, लिंक प्रोवाइड है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको अलग अलग लिंक मिलेंगे। ठीक है, टोटल तीन लिंक मिलेंगे, पहला लिंक, टोटल दो लिंक मिलेंगे, बेसिकली तीन तो नहीं मिलेंगे क्योंकि एक वीडियो तो खुद है, टोटल तीन वीडियो आने वाले हैं। तो पहला जो लिंक है वो तो मिलेगा आपको सपोर्टेड के लिए, ठीक है ना, सपोर्टेड बीम के लिए, और एक मिलेगा अनसपोर्टेड बीम के लिए। ठीक है ना, तो सपोर्टेड और अनसपोर्टेड दोनों के लिए आपको लिंक प्रोवाइडेड है। अगर आपको सपोर्टेड बीम डिजाइन करना है तो सपोर्टेड का लिंक देखिए, उसको ओपन कीजिए और वीडियो देखिए, और अनसपोर्टेड डिजाइन करना है तो अनसपोर्टेड का देखिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सपोर्टेड के आपको दो वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है ना, और अनसपोर्टेड के भी आपको दो वीडियो मिलेंगे। सपोर्टेड के एक तो मिलेगा स्टेप्स का, ओनली डिजाइन स्टेप्स का, और एक मिलेगा न्यूमेरिकल का। ठीक है ना, ऐसे ही आपका अनसपोर्टेड में भी एक स्टेप्स का वीडियो होगा, एक न्यूमेरिकल का वीडियो होगा। ठीक है ना, अब देखो स्टेप्स का अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूं मैं क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में स्टेप्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, स्टेप्स पूछ लेता है, डिजाइन स्टेप्स पूछ लेता है। HPTU के अगर मैं 2018 के पेपर की बात करूं तो 2018 में उन्होंने डिजाइन स्टेप्स पूछ ली थी, ओनली डिजाइन स्टेप्स ऑफ अनसपोर्टेड लेटरल बीम। ठीक है ना, तो डिजाइन स्टेप्स भी पूछ लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़िए, और कोई अगर डाउट है, फीडबैक है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और वीडियोस देखने हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और बहुत ही अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।